Assalamu alaikum dear students, welcome to the class of Ammar Murtaza, the channel Physics with Ammar, the finest and the easiest way to learn the concepts of physics. आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी चीजें आ जाएंगी आज उनको हम स्टडी करेंगे और कोशिश तो यही होती है कि आपको बात समझ में आ जाए क्योंकि कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूं और अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया फिजिक्स का तो वो आपका लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है, गारंटी है। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए और बड़े ध्यान से देखिए ताकि कॉन्सेप्ट आप गेन कर सकें और हो सके तो इसको रिपीट करके देखिए। काफी इंपॉर्टेंट चीजें आज मैं बताने जा रहा हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब इस चैनल, और अगर आप इस पर पुराने हैं तो कंटिन्यू करें देखने को। नोट्स खुद बनाए, नोट्स अपने बनाए, मुझे मैसेजेस ना करें नोट्स के लिए कैसा नोट्स चाहिए ये वो। आप जब खुद अपने नोट्स बनाएंगे तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, आपको चीजें याद होंगी। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड क्या होता है? फील्ड का आज फील लेंगे, फील्ड का फील लेंगे। थोड़ी आज मैं आपको डेली लाइफ से ये एग्जांपल को रिलेट करूंगा। कोई सिटी है, एक सपोज करें कोई एक बड़ा सिटी है, लंदन है, ठीक है, या न्यूयॉर्क है, ये एक उसका जो है वो नक्शा में बना रहा हूं। या यहां पर भी आप देखते हैं अपने जो है वो इलाकों में कि आपके यहां पुलिस की एक जो है वो लिमिट्स होती हैं, एक हदें होती हैं, एक फील्ड्स होती हैं। अब ये पूरा एक सिटी है, कोई भी सिटी है, और यहां पर आपको जो हिफाजती सिस्टम के लिए एक पुलिस की जो एरिया है वो उनको दी जाती है और हर एक स्टेशन पर एसएचओ को मुकर्रर किया जाता है, ये हम सबको पता है। अब सपोज करें एक इस सिटी में ये जो मैं पॉइंट्स लगा रहा हूं, ये जो मैं लाइंस ड्रा कर रहा हूं, ये डिफरेंट जो है वो एसएचओस की जो फील्ड्स हैं, अपने अपनी हदें हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं अपनी एरिया की, और बाकी जो है वो ये सारा एक। अब इस अगर इलाके में कहीं पर वारदात होती है तो इस स्टेशन को हम स्टेशन वन का नाम देते हैं या ए सेक्शन कहते हैं, ए सेक्शन, और इसको हम बी सेक्शन कहते हैं, और इसको हम सी सेक्शन कहते हैं, और इसको हम डी सेक्शन कहते हैं, और ये हमारा ई सेक्शन हो गया। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। अब ये हमने सेक्शंस बनाए हैं और इन सेक्शंस में हर एक सेक्शन का, हर एक हद का अपना इनका लीडर है, पुलिस के अंदर हेड है जिसको हम एसएचओ कहते हैं। अब देखिए यहां पर कि यहां अगर इस हद में कोई क्राइम होता है तो क्या बी सेक्शन वाला ए सेक्शन में आकर वो कार्रवाई करेगा? नहीं कर सकता। अगर करेगा भी तो उसका इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इनके पास इनकी नफरी है, ऑलरेडी इनके पास इनके हेड्स हैं, ऑलरेडी इनके पास जो है वो अपनी फील्ड है। ये इसको अपना इलाका कवर करना है जबकि ए वाले को अपना इलाका कवर करना है। अगर ए वाला बी वाले के पास जाता है तो कल को वो मैटर कोर्ट में पेश होता है और कोर्ट वाले कहते हैं कि आपकी तो हद ही नहीं, आपने कैसे कार्रवाई की है। तो इस वजह से हर कोई ऑफिसर अपनी अपनी हद में रहकर वो काम करता है। अब उनका तालीम जो है वो उनके उनको पहले ही दिया जाता है। एसपी होता है अपने एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल तक होता है, एसएसपी, एसपी ऑपरेशंस, तो वो अपनी डिस्ट्रिक्ट्स को देखता है। ऐसा नहीं होता कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर कार्रवाई करके फिर अपने डिस्ट्रिक्ट में चला जाता है, नहीं, उनको अपना डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है, उनको अपनी लिमिट जो है वो एक लाइन दी जाती है, एक हद दी जाती है। सेम तरीके से डियर स्टूडेंट्स, एक चार्ज जो होती है
वो भी अपना एक इलाका आप क्रिएट करती है, अपने आसपास अपने अराउंड एक इलाका क्रिएट करती है, और उस इलाके को हम फील्ड कहते हैं, उस इलाके को हम फील्ड कहते हैं। अब ये जो वायर्स हैं हमारे घरों के ऊपर से जाती हैं, हम अगर बल्ब जो है वो उनके पास ले जाते हैं तो वो भी उसमें भी करंट आ जाता है, यानी वो चलना शुरू हो जाता है, होता है। या अगर ऐसा ना भी हो तो आपने हल्की फुल्की जो है वो चीज ये भी आजमाई होगी कि जब कोई कंडक्टर होता है, कंडक्टर के पास जब आप अपना उंगलियां करोगे तो उस पर एक करंट फील होगा, होता है। ये जो है एक्चुअली इसकी फील्ड है। अब अगर ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर से करंट का फ्लो हो रहा है तो इस कंडक्टर के अराउंड एक फील्ड क्रिएट होगी, उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, क्योंकि वो फील्ड इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से क्रिएट हुई है। अगर उससे करंट फ्लो ना करे तो कोई करंट, कोई फील्ड नहीं बनेगी। ये फील्ड तब बनी है जब इसके इससे करंट का फ्लो हुआ है। अब करंट का जब फ्लो हुआ है तो एक फील्ड जनरेट हुई है, फील्ड क्रिएट हुई है, इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और ये चूंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से क्रिएट हुई है, इस वजह से हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सेम तरीके से कोई भी एक चार्ज है वो अपने गिर्द, अपने अराउंड एक इलाका क्रिएट करती है, एक फील्ड क्रिएट करती है, एक अपना सोर्स जो है वो उनका उसका होता है, एक अपना फोर्स लगाती है, तो उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब ये मुझे कैसे पता चले? क्योंकि मेरे हाथ को एक फोर्स लगेगा, लग सकता है, लेकिन यहां पर कौन सी चार्ज रखें? मैं प्लस क्यू भी रख सकता हूं, मैं माइनस क्यू भी रख सकता हूं, इसमें कोई भी मुझे रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ प्लस क्यू रखूं चार्ज, या सिर्फ और सिर्फ मैं माइनस क्यू रखूं, मैं कोई भी रख सकता हूं। इसकी हम देखेंगे कि अगर हम प्लस की रखते हैं चार्ज तो क्या होता है, अगर हम माइनस की चार्ज रखते हैं तो क्या होता है। ये अब हम इसकी फील्ड को मालूम करने के लिए, इसकी फील्ड कितनी है उसको मालूम करने के लिए एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। और ये याद रखिएगा कि जो हम टेस्ट चार्ज लेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और वो हमेशा पॉजिटिव तो होगी ही, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बिल्कुल कम होगा। मैं इधर ये भी लिख सकता हूं, एवरी चार्ज क्रिएट्स फील्ड अराउंड इट। अपने हर एक चार्ज जो है वो अपने अराउंड एक फील्ड को जो है वो क्रिएट करती है। आप कहेंगे सर आपने यहां पर क्यू नॉट रख लिया, इसकी भी तो फील्ड होगी। नहीं होगी इसकी फील्ड, ये एक इमेजिनरी चार्ज है, ये हम चार्ज पॉजिटिव लेते हैं और एक इमेजिनरी चार्ज लेते हैं, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मैग्नीट्यूड सम बुक्स में तो ऐसा लिखा हुआ है कि लिमिट जो है वो इसका ऐसे समझे कि वैल्यू जीरो है, लेकिन जीरो नहीं होता, थोड़ा, क्योंकि हम इसको इमेजिनरी लाइन लेते हैं, बिकॉज हमने सिर्फ और सिर्फ ये मालूम करना होता है कि इसकी फील्ड कितनी है, इसकी फील्ड कितनी है। तो इस पर फोर्स लगेगा जब, अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस पर रिपल्शन का जो है वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो ज्यादातर हम पॉजिटिव यहां पर यूज करते हैं, इस वजह से करते हैं कि रिपल्सिव फोर्स लगेगा। पिछली वीडियो में मैंने काफी इस पर डिटेल से बात की थी कि कूलम्स लॉ में जब मैंने यहां पर भी प्लस रखी थी और टेस्ट जहां भी प्लस रखी थी तो रिपल्सिव फोर्स की वजह से उनमें एक डिस्टेंस जो है वो क्रिएट हुआ था, जिसको हमने आर से डिनोट किया था। सेम तरीके से प्लस क्यू नॉट जो है वो हम यहां पर टेस्ट चार्ज रखेंगे, और जिसकी वजह से ये टेस्ट चार्ज, इस वजह से ही तो कहते हैं कि ये टेस्ट करती है कि इस चार्ज की फील्ड कितनी है, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बिल्कुल कम होता है, ऐसे समझे कि वो जीरो होता है।
लेकिन अगेन मैं बोल रहा हूं कि ये इमेजिनरी चार्ज है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। हम ये इस वजह से यहां पर पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पता चलता है कि ये चार्ज अपने गिर्द एक फील्ड बनाती है, ये इस वजह से हम पढ़ते हैं। तो जो फील्ड, जिसकी वजह से फील्ड क्रिएट होती है, उसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स सोर्स चार्ज। और जो हम चार्ज उसकी फील्ड में लाते हैं उसकी इंटेंसिटी मालूम करने के लिए या उसकी फील्ड देखने के लिए, उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्लियर हो गया? एक होती है सोर्स चार्ज और दूसरी होती है टेस्ट चार्ज। अब अगर यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखता हूं तो क्या इफेक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज रखता हूं तो वो क्या इफेक्ट देगी? अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, सोर्स चार्ज मेरी पॉजिटिव है, तो इनमें से जो लाइंस निकलेंगी डियर स्टूडेंट्स वो आउटवर्ड होंगी। पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस निकलती हैं फोर्सेस की, वो आउटवर्ड होती हैं, बाहर की तरफ उनका डायरेक्शन होता है, उनका डायरेक्शन इनवर्ड नहीं होता, आउटवर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। क्लियर हो गया? ये हमारा पॉजिटिव जो चार्ज होती है, पॉजिटिव क्यू, उसका जो है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। अच्छा, अगर यहां पर हम नेगेटिव रखते हैं चार्ज तो क्या होगा? अगर हम डियर स्टूडेंट्स नेगेटिव रखेंगे ये सोर्स चार्ज, तो इनका जो डायरेक्शन होगा वो हमारा होगा रेडियली इनवर्ड। अगर मैं इसको माइनस क्यू, तो ये जो लाइंस होंगी जिनको हम इलेक्ट्रिक लाइंस बोलते हैं, जो कि इमेजिनरी लाइंस हैं, ये भी इमेजिनरी हैं, ये हमें देखने में तो नहीं मिलती ना, लेकिन ये इस वजह से ही हम ड्रा करते हैं ताकि हमें फील्ड का पता चले। तो इनका जो डायरेक्शन होगा डियर स्टूडेंट्स वो रेडियली इनवर्ड होगा, चार्ज की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा? चार्ज की तरफ, जिनको हम रेडियली इनवर्ड बोलते हैं, ये जो लाइंस हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो फोर्स होगा वो इस क्यू चार्ज की तरफ होगा। अब यहां पर आप सोचेंगे कि कौन सी चार्ज रखनी है, यहां पर भी प्लस क्यू चार्ज रखेंगे, क्योंकि ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये इस तरफ, इस चार्ज की तरफ खींच जाएगी, इसको जो फोर्स लगेगा वो इस चार्ज के जो है वो अगेंस्ट, जाहिर सी बात है ये अपोजिट चार्जेस है, ये तो हमेशा ही हम टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखते हैं, तो जब नेगेटिव रखेंगे तो इनमें अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इनकी जो लाइंस बनती हैं या बनेगी वो आपकी इनवर्ड बनेगी, जिनको हम रेडियली इनवर्ड बोलते हैं। क्लियर हो गया? So, एक तो हमारी पॉजिटिव हो गई, दूसरी हमारी हो गई नेगेटिव डियर स्टूडेंट्स। तो अब जो है वो आप कहेंगे कि ये जो लाइंस हैं ये कहां तक जाएंगी? यहां तक तो आपने सर बता दिया, यहां तक इनकी फील्ड है, तो यहां के पर क्या खत्म हो जाएंगी? तो नहीं होगी खत्म डियर स्टूडेंट्स, ये लाइंस जो है वो ये दूर दूर तक जाएंगी, यानी ये इंफिनिटी तक जाएंगी, लेकिन इनका जो असर है वो खत्म हो जाता है। ये अलग बात है कि उनका असर खत्म हो जाता है, लेकिन इनकी जो लाइंस की जो एक्चुअली एरिया है वो इंफिनिटी तक है, उनको हम जीरो नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब बोलते हैं अगर हम जो है वो इसको जो है करें कि इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वो अब हम देखते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि प्लस क्यू चार्ज से कहां तक लाइंस बनती हैं, कैसे बनती हैं, और नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से कैसे लाइंस बनती हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम किसको कहते हैं। तो ये आप जो है वो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो हमारा क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि इंटेंसिटी क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, यानी पॉइंट चार्ज की इंटेंसिटी क्या होती है।
तो कूलम्स लॉ में हमने डिस्कस किया था कि फोर्सेस लगते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं चार्जेस के मैग्नीट्यूड के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं आर स्क्वायर के। सेम तरीके से यहां पर भी सब कुछ वही होता है। एक चार्ज है जी प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू पॉइंट चार्ज एक फोर्स लगाती है। अगर मैं पॉइंट चार्ज रखूं यहां पर जो टेस्ट चार्ज है वो रखूं तो इस पर एक फोर्स लगेगा। डियर स्टूडेंट समझे कि ये आपकी यहाँ पॉइंट पी पर आपको जो है वो इस पॉइंट चार्ज का मैं मालूम करना है कितनी इंटेंसिटी है। तो इनका और इस टेस्ट चार्ज का और सोर्स चार्ज के दरमियान एक जो डिस्टेंस होगा उसको हम आर बोलेंगे। अब देखें यहां पर एक फोर्स लगेगा इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, यानी वो बताएगा कि कितना फोर्स लगा। अगर इस चार्ज को मिला के यहां पर खड़ा कर दूं तो ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कहते हैं कि फोर्स अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यानी टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका मैग्नीट्यूड और उस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा। लिख भी लेता हूं फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज के टेस्ट चार्ज पर कितना जो है वो फोर्स लगा और उसका जो है वो मैग्नीट्यूड यानी टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड। अब ये फॉर्मूला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ये फॉर्मूला यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मालूम कर सकते हैं। अब इसको अगर मैं थोड़ा एक्सपांड कर लूँ ना, तो आपने पढ़ा है कि एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक हो गया। या क्यू को हम कैपिटल भी लिखते हैं और क्यू ये स्मॉल भी लिख लेते हैं, ठीक हो गया। अब इसको जो है वो अगर मैं स्मॉल वैसी कंडीशन बनाता हूं कि एफ इज इक्वल टू क्यू के क्यू कैपिटल और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। सपोज करें ये टेस्ट चार्ज है और ये सोर्स चार्ज है, यहां से कंडीशन हम ले रहे हैं ना। तो ये सपोज करें आपका सोर्स चार्ज हो गया और ये आपका टेस्ट चार्ज हो गया, तो अपॉन में यहां पर क्यू नॉट है ऑलरेडी तो वो रखेंगे हम। तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप देखें, ये क्यू नॉट से गया, बाकी क्या बच गया आपका ई इज इक्वल टू के जो कि कांस्टेंट है क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब ये जो है आपका फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अगर आपको यूनिट मालूम करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, हम यूनिट मालूम करेंगे इधर से E इज इक्वल टू हमारे पास ये फोर्स अपॉन क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, तो उसका मैग्नीट्यूड तो न्यूटन पर कूलम और समटाइम्स हम वोल्टेज पर कूलम भी लिखते हैं। क्लियर हो गया, ये दोनों यूनिट्स आपको आ सकते हैं। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका यूनिट। इसका यूनिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एंट्री टेस्टों में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जो एमसीक्यूज होते हैं वहां पर ये पूछा भी गया। क्लियर हो गया। और इन इन दोनों में फर्क बस इतना है कि यहां पर एक चार्ज होती है और उस कूलम्स लॉ में हम दो चार्ज को यूज करते हैं। अगर आप इसको ब्रेक करना चाहें तो E इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है या आपका एयर के लिए या वैक्यूम के लिए आप एप्सिलॉन नॉट रखते हैं, लेकिन आपका कोई और मीडियम आ गया तो उसके लिए आप रिलेटिव परमिटिविटी जो मीडियम है वो रखते हैं एप्सिलॉन आर का, उसका वैल्यू कम होता है क्योंकि एयर या वैक्यूम में रेजिस्टेंस कम होती है तो इस वजह से उसका वैल्यू ज्यादा होता है। बाकी जो मीडियम आपने पानी दे दिया, आपने केरोसिन ऑयल दे दिया, आपने कोई और जो है मीडियम दे दिया, तो वहां पर आपका उसका वैल्यू कम होता है क्योंकि उनके बिटवीन एक रेजिस्टिविटी होती है, जिस मीडियम के दरमियान रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसका वैल्यू कम होगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर हो गया आपका क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड है कि कंडीशन क्या मिली हुई है, आपको क्या मालूम कराना चाह रहा है, प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड है। तो अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म देखें डियर स्टूडेंट्स, तो वेक्टर फॉर्म भी बिल्कुल रिजेंबल करता है किससे, कूलम्स लॉ से। सी हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्लियर। ये हो गया आपका वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक
ठीक हो गया। ये अगर मैं इसको के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक हो गया, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, इस के का वैल्यू रख दिया, अब क्यू को भी रख दिया अपॉन आर का स्क्वायर। अब देखें आर डिस्टेंस है, हमने क्या करना होता है वेक्टर्स में, वेक्टर्स में जब डायरेक्शन को मेंशन करना होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर फॉर्म है ना, तो वेक्टर है क्योंकि डायरेक्शन बताती है, इलेक्ट्रिक लाइंस एक्चुअली हमें डायरेक्शन बताती है। तो हमने क्या करना होगा, यहां पर इसका यूनिट वेक्टर लेना होगा, हम यूनिट वेक्टर यहां पर लेंगे आर कैप के नाम से, ठीक। अब इसको जो है वो यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, r at is equal to vector upon its magnitude। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square, और इसको हम r cube भी बोल सकते हैं, अगर आप q q अभी नहीं बोले तो r vector upon its magnitude, क्योंकि ये भी magnitude है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e upon 4 pi epsilon naught q अपॉन आर क्यूब, और ये आपका आर वेक्टर आ गया। क्लियर हो गया, तो ये आपका जो फार्मूला है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमें जो है वो प्रॉब्लम करता हूं एक, तो इसके बाद आपको काफी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले फार्मूले की। एक मुझे इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करना था, ये चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, चार्ज Q1 पॉजिटिव थी, चार्ज Q2 नेगेटिव, चार्ज Q1 से P के दरमियान एक मीटर का सेंटीमीटर का फासला, और ये चार्ज P1 P से चार्ज P Q2 से इस P तक एक सेंटीमीटर का फासला, यानी जो टोटल बिटवीन द चार्जेस जो डिस्टेंस था वो 2 सेंटीमीटर का फासला था इसका, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है। आपने कहा होगा कि सर आपने नेगेटिव क्यों नहीं रखा, मैंने आपको बताया कि नेगेटिव हम मैग्नीट्यूड नहीं कर सकते, नेगेटिव हम सिर्फ और सिर्फ उस साइन की निशानदेही करते हैं कि कौन सी हमने चार्ज को यूज किया हुआ है। तो देखें आउटवर्ड है रेडियली, आउटवर्ड यहां से लाइंस निकलेंगी और इनवर्ड निकलेंगी कहां से, नेगेटिव साइन से। सो नेगेटिव जो है वो साइन से इनवर्ड गई और आउटवर्ड निकली पॉजिटिव साइन से, यानी इनका जो डायरेक्शन था वो टुवर्ड्स सी हो गया, टुवर्ड्स सी हो जाएगा इसका यहां पर जो होगी। तो ई वन ई टू दोनों ही जो जगह पर जो है वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है, तो नेट जब हमने मालूम करना है तो यहां से जब निकल आएंगे कॉमन की अपन आर स्क्वायर तो निकाल लेंगे, और क्यू वन प्लस क्यू टू, और देन आपका आगे 9 × 10⁻⁹, और ये आपके आगे 1 × 10⁻⁶, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम है, इसको हम कूलम में मालूम करेंगे तो माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁶ के, तो हमने 1 × 10⁻⁶ को लिख दिया, प्लस का 2 × 10⁻⁶, क्योंकि 2 इसका मैग्नीट्यूड और माइक्रो जो है वो 10⁻⁶ के इक्वल होता है। अपन ने इसको जो है वो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किया, -3 अब स्क्वायर जो है वो इसका आ गया, क्योंकि इसको स्क्वायर था तो 9 × 10⁹, और ये आपका 1, और ये आपका 2 × 10⁻⁶, 10⁻⁶ जो है वो यहां पर हमने कॉमन निकाला, और वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ 1 मिलेगा क्योंकि हमने जो है वो कॉमन निकाला है। यहां पर नजर आ रहा है आपको, हां जी आ रहा है नजर, तो 2 × 10⁻² जो है वो × 10⁻², अब ये जो है वो 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, और ये 10⁻⁶ 10⁻⁶ से कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 × 10⁻⁹ 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 27 हो जाएंगे, 10⁻⁹ प्लस के, और क्योंकि हमने इसको जो है वो डिजिट इधर कर लेना है तो ये बढ़ जाएगा डिजिट, तो जो है वो यहां पर आएगा जो पावर होगा 10⁻⁰ आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाता है इसका यूनिट, यानी इसको आप वोल्टेज पर कूलम भी लिख सकते हैं, लेकिन टुवर्ड्स सी, सी की डायरेक्शन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतना जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेगी, महसूस करेगी। हा, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस क्लास डियर स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको ये लेक्चर, ये तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ही बताएंगे, और कोई और चीज इसमें से कोई कंफ्यूजन है तो मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोशिश करूंगा इनके न्यूमेरिकल्स के साथ आऊं। हाफिज़।